प्रश्न संख्या जो L1 है वो L1 प्रकार के लैंप से जुड़ी हुई हैं, तथा इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है वो L2 प्रकार के लैंप से जुड़ी हुई हैं, तथा इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 है वो L3 प्रकार के लैंप से जुड़ी हुई हैं। जब कॉपर सेगमेंट संख्या 1 ब्रश संख्या 1 के संपर्क में आती है तो L1 प्रकार के सभी लैंप प्रकाशित हो जाते हैं, तथा इसी प्रकार से जब ब्रश संख्या 2 जो कि सिलेंडर के एक तिहाई घूर्णन पश्चात संपर्क में आती हैं तो L2 प्रकार के सभी लैंप हमारे प्रकाशित हो जाते हैं, तथा यही प्रक्रिया हमारे L3 टाइप के लैंप में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल डिग्री के विस्थापन के पश्चात L3 प्रकार के जो हमारे लैंप्स हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से वाहनों में भी हम फ्लैशर का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी कार बाइक इनमें जो इंडिकेटर्स होते हैं, तथा पुलिस व एम्बुलेंस इत्यादि की जो लाइट्स होती हैं उसमें भी फ्लैशर का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के जो इंडिकेशन सिस्टम में जब हम इग्निशन की को ऑन करते हैं तो जो हमारा टर्न सिग्नल सर्किट है वो सप्लाई से जुड़ जाता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ ये हमारा टर्न सिग्नल फ्लैशर सर्किट है। बैटरी के माध्यम से इग्निशन सिस्टम जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से हमारे टर्न सिग्नल फ्लैशर सर्किट को सप्लाई जाती है। यह टर्न सिग्नल फ्लैशर है वो टर्न सिग्नल स्विच से जुड़ा हुआ है, और स्विच की जो स्थिति है उससे यह हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारा जो सिग्नल है या फ्लैशर लाइट जो जलानी है वो राइट साइड की जलानी है या लेफ्ट साइड की जलानी है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं अगर हम इस स्विच को इस डायरेक्शन में मूव कर देंगे तो हमारी राइट टर्न सिग्नल है वो ग्लो करने लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस स्विच की डायरेक्शन हम इस तरफ विस्थापित कर दें तो हमारा लेफ्ट टर्न सिग्नल के जो फ्लैशर हैं वो ग्लो करने लग जाएंगे। ये हमारा टर्न सिग्नल स्विच है जिसकी स्थिति से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो इंडिकेटिंग जो या फ्लैशर लाइट है वो किस तरफ की हमें ग्लो करनी है। टर्न सिग्नल स्विच की स्थिति के आधार पर सप्लाई आगे दाएं और बाएं टर्न सिग्नल लाइट्स व डैशबोर्ड में लगी इंडिकेटर्स लाइट में जाती है। सप्लाई लाइट के फिलामेंट को प्रकाशित करती हैं। लाइट का जो दूसरा सिरा है वो हमेशा या सदैव ग्राउंडेड अवस्था में ही रहता है। इसी प्रकार से आजकल जो हम फ्लैशर सर्किट्स यूज़ कर रहे हैं वो रिले की सहायता इंडिकेटर रिले की सहायता से करते हैं। यहाँ पर भी यही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ये कुछ हमारे इंडिकेटर सर्किट्स हैं जो हम पुलिस या एम्बुलेंस वगैरह में यूज़ करते हैं। ये हमारी एम्बुलेंस के लिए फ्लैशर सर्किट है और ये हमारा जो हमारी टू व्हीलर्स हैं उसके इंडिकेटिंग सर्किट्स हैं। तो स्टूडेंट्स